हाँ जी मिस्टर पेंडू ट्रैक्टर मॉडल्स चैनल नू सबसक्राइब करो अते बैल दे आइकन नू प्रेस करो साड़ियाँ लेटेस्ट वीडियो सब तो पहला वेखण। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिआं नू, ते लो जी अज दी वीडियो च आपां अनबॉक्सिंग करन लगे हां 6 चैनल रिमोट जो कि आपां अमेजोन तो खरीदया है। ते इस दा बाय लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन च मिल जूगा, उत्थे जाके चैक कर लिओ तुसीं। शायद मौके पर नोट अवेलेबल है इस टाइम, बाकी तुसी चैक करते रहो बहुत जल्दी जिहड़ा स्टॉक च आ जूगा रिमोट। 6 चैनल रिमोट है तो तकरीबन 2500 रुपये का मैनू रिमोट मिलया है। बाकी आप डब्बा खोल के वेहने वेच किदां दा रिमोट है, की कंडीशन है, किवें चलता है, कनैक्ट वगैरह करांगे आप अपने ट्रांसमीटर रिसीवर दोवां नू। तो वेखो जी इत्थों बॉक्स खुलता इस तरह, तो बहुत वधिया बॉक्स की क्वालिटी बहुत वधिया है, जिदा तुसी वेख सकते हो रिमोट भी उत्ते बनया होया सारा। उस तो इलावा होर इत्थे फंक्शन दिते हुए ने रिमोट के सारे ही, ठीक है जी। उत्ते जिहड़ा मोबाइल कनैक्ट करन लई इहदा स्टैंड इहदे नाल नहीं मिलता, वैसे अड मंगाउणा पैंदा, पर इत्थे ऑप्शन दिता होया। उस तो इलावा होर इत्थे काफ़ी कुछ लिखा होया इंग्लिश च, ते बैक साइड ते भी रिमोट दे अड्डो अड फंक्शन दसे हुए ने कि फस्ट चैनल कित्थे आ, ठीक है, सैकेंड चैनल, थर्ड चैनल, फोर्थ चैनल, फिफ्थ सिक्स्थ चैनल, जिहड़ा LED लाइट वगैरह ऑन ऑफ स्विच है, बैटरी कंपार्टमेंट आए, ते बाकी बॉक्स ते सारा कुछ दिता है डिटेल च। पर आपां एक वारी बॉक्स खोल के वेच वेने आ, ते इस तरीके नाल इत्थों बॉक्स खुलदा है। ते सब तो पहला आपां इत्थे उत्ते बिल मिल जूगा अपने रिमोट का, इस दे विच तुहानू प्राइस वगैरह भी पता लग जूगी। तो आ तुसीं वेख सकते हो दोवें प्राइस दित्तियां होईयां ने, ठीक है जी। ये कल्ली एक प्राइस नहीं गी, दोवें जिहड़ियां ऐड करके टोटल प्राइस इहदी 2500 रुपया बनती है, तुसीं टोटल कर लियो बाकी, ठीक है। 2500 रुपया 2600 रुपये तक का मिल जूगा तुहानू रिमोट, 6 चैनल रिमोट है। उस तो इलावा इस दे विच इत्थे क्विक स्टार्ट गाइड दिता होया इहनू आपां किद्दां चलाउणा, सारा डिटेल इहदे विच लिखिया होया, क्योंकि इहदे विच कई मोड हुंदे ने, कई वारी अपने तो मोड ऑन ऑफ हो जांदा, तो फिर इत्थों आपां वेख के उहनू सैट कर सकदे हां। काफ़ी कुछ लिखिया होया इहदे उत्ते, अड्डो अड्ड चीज़ां दसियां होईयां, जायरोस्कोप बारे भी इहदे दस्या होया, पर इहदे च जायरो है नहीं गा, इह नॉन जायरो आपां मंगाया विदाउट जायरो। तो जायरो की हुंदा उह भी तुहानू अग्गे दस दांगा मैं। तो फिलहाल आ वेखो जी इस तरह पैकिंग बहुत वधिया, तो आह जिहड़ा रिमोट है जी अपना 6 चैनल, उस दे नाल ही इत्थे रिसीवर भी है विच, तुसीं वेख सकते हो रिसीवर, रिसीवर के उत्ते 6 चैनल बने हुए हैं, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है जी। आ 6 ही पिन्ना ने इधरली साइड, तो इतने वोल्टेज भी दी हुई है 4.8 to 10 वोल्ट तक चलता है, पर आप 12 वोल्ट के भी चलाया हुआ इन नाल का दूजा, इस करके कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उस तो इलावा हुण गल करते हैं आप ट्रांसमीटर की, तो आ जी अपना ट्रांसमीटर, आखो जी जी अपना ट्रांसमीटर है। वैसे पहला भी मैं एक ट्रांसमीटर की अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, सेम उस तरीके का ही है, पर कंपनी इनकी अड है, उनकी कंपनी होर सी, इनकी कंपनी होर है, पर डिज़ाइन सब कुछ एक हो जाए सेम टू सेम, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इन्हें, सिर्फ इन दो जे दो चैनल ने अड ऐड किए हुए हैं, इतने लिखा भी होया चैनल फिफ्थ है तो सिक्स्थ है, ठीक है, पंजवा तो छेवं चैनल जरा अड ऐड किया इन। उस तो इलावा इन जोड़ा नंबर वाइज चैनल आई थिंक आ हों, ठीक है, नहीं आ सैकेंड चैनल हों, फस्ट चैनल आ हों, ठीक है, फस्ट आ सैकेंड हुंदा है, इहदे विच आ लिखिया इत्थे जिहड़ा तीजा चैनल आ है आ बटन सिंगल प्रेस वाला, ठीक है, तो जिहड़ा चौथा चैनल है वह आए, इहदे विच तीन ऑप्शन हुंदे ने 1 जिवें 2 3, ठीक है जी। ये जिहड़े चैनल ने सर्वो वास्ते ने, आ दो चैनल हुंदे ने जिहड़े आपां रिमोट ते यूज़ कर सकते हैं, बाकी जिहड़े आ दो ते उतले दो इन्हां ते आपां सिर्फ सर्वो मोटर चला सकते हैं, तुहानू चला के विखाउंदे आ अगे किद्दां चलदी है। उस तो इलावा इहदे विच इहदे थल्ले इन्हां दो चैनलों की सैटिंग दित्ती हुई है, सेंसिटिविटी सैट करनी है, RPM चक्कर वगैरह इत्थे दिता हुआ सारा कुछ, तो वो तुहानू अगे डिटेल च दसांगा मैं। तो फिलहाल आ वेखो जी इदां दा रिमोट है। उस तो इलावा तुहानू मैं पहला रिमोट भी विखा दिंदा, उहदी पहला अनबॉक्सिंग की हुई है वैसे मैं, तो उसका लिंक भी तुहानू डिस्क्रिप्शन च मिल जू जे तुसीं वो वीडियो वेखनी उस रिमोट दीआं। वो 4 चैनल वाला रिमोट है, ये आपां 6 वाला मंगाया, बाकी तुहानू मैं वो रिमोट भी विखा दिंदा वा। हाँ जी आ वेखो जी अपना पहला रिमोट है 4 चैनल वाला, तो इन्हें तुसीं वेख सकते हो कोई डिफरेंस नहीं गा, ठीक है, डिज़ाइन च सेम टू सेम है डिज़ाइन, बस कलर का थोड़ा फर्क है, इस दे विच का सिंगल आई कलर से ऑप्शन है नहीं सी, इस करके मैं आ मंगाया। इस दे विच तुहानू ऑप्शन मिल जाएंगे सेम इन्दे नाल दा भी, ब्लैक कलर च भी आई थिंक हुंदा है, तो बहुत वधिया रिमोट हुण तक तो काम कर रहा है, बाकी इन्दे बारे भी हुण पता लग जू अगे किदां काम करदा है, तो इहनू आपां साइड ते कर देने एक बारी। उस तो इलावा इहदा जिहड़ा रिसीवर है आ तुसीं वेख सकते हो, आ इस रिमोट का रिसीवर है जी, बाकी तुहानू मैं इस रिमोट का भी रिसीवर विखा देना इत्थे पिया मेरे कोल। तो हाँ जी आ वेखो जी अपने जिहड़ा पुराने रिमोट का रिसीवर है इस दा, रिसीवर च कोई खास फर्क नहीं गा, सिर्फ इदां दिता हुआ भी पुट्ठा सीधा थोड़ा जिहा,
ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸੀਵਰ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਿੰਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਰਿਸੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਰਿਸੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਿਮੋਟ ਐਸ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਿਮੋਟ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਹ ESC ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ 7.4 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ESC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ESC ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸੀਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 4 ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ESC ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ESC ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ 1 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਨੈਕਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਆਹ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਰਵੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਰਵੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ 6 ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਤੇ 4 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਿਮੋਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਅਤੇ 6 'ਚ ਸਰਵੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਵੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ESC ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ 'ਚ ਸੈੱਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡਬਲ A ਬੈਟਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਚਾਰਜੇਬਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈੱਕ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 5.5mm ਜੈੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਪਾਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਨ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਿਊ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗਬੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬਲਿਊ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਔਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ESC ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਓ ਜੀ ESC ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਔਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗੀ ਜਗ ਬੁਝ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਤੀ ਜਗ ਬੁਝ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਉਹ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ 6 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵਰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ 6 ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਵੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਆਪਣੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਬਲਿਊ ਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੈਰੋ ਦਾ ਪਰ ਜੈਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਬੱਤੀ
कोई लॉन्ग प्रेस किया हूँ ये रैड बत्ती भी जग रही है। हूँ आप अपना ट्रांसमिटर ऑन करते हैं तो हूँ चैक करते हैं रिसीवर कनैक्ट होया कि नहीं होया, पर मैं लग नहीं रहा कि रिसीवर कनैक्ट होया होगा क्योंकि जो एक बार रिसीवर कनैक्ट होंगे ना सर्वो एक बार रिस्पोंस कर दी थोड़ी जी, पर कोई रिस्पोंस नहीं दे रही। ठीक है जी, तो अपना ट्रांसमीटर वैसे सही चल रहा, आई थिंक सारे चैनल सही काम कर रहे हैं। हूँ मैंने ये नहीं पता कि प्रॉब्लम इस रिसीवर च है कि ट्रांसमीटर च है। ठीक है, वह भी आपको चैक करना पैना है। प्रॉब्लम हो गई है काफ़ी बड़ी क्योंकि ये सिंगल एक ही रिमोट सी अगर जो मैं बाय किया तो भी बहुत औखा आया, 15-16 दिन आया तो आंदे भी खराब है। तो हम देखते हैं चैक करते हैं की प्रॉब्लम है, इन की दिक्कत है, जे तो सॉल्व हो गई अपने तो करा, नहीं तो इनू जरा रिप्लेस करा लाँगे। हाँ जी, आप हम वह कि प्रॉब्लम अपने जोड़ा ट्रांसमीटर चाहे या रिसीवर चाहे। ठीक है, उनके लिए आप जो एक रिसीवर है ये कनैक्ट करके वह इस ट्रांसमीटर हों कि नहीं, तो फिर आप जो इस रिसीवर इस ट्रांसमीटर कनैक्ट करके वेखा। ठीक है जी, एक बार आप इन ऑफ कर लें, इस भी आप सैल पाए हुए हैं पहला तो ही, एक बार इनू ऑन करते हैं वेखो जो ऑन होंगे सही, तो इनू भी आप उवें लौंग प्रेस करा, ज़्यादा इन्हें कोई सिस्टम हों नहीं गा, सिर्फ इदा लौंग प्रेस करके जो आह बत्ती जगह ला पी उदों आराम कनैक्ट हो जाता, पहला इदा ही कनैक्ट होया कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इसका जो चैनल नंबर 6 तो है नहीं गा, 5-6 है नहीं गा, अपना सर्वो दूजे ना कनैक्ट है, इस करके एक सर्वो जो आप चैनल नंबर 2 ना कनैक्ट करा उतली साइड कुछ इदा। तो हूँ आप वह कि काम करता है कि नहीं, पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि हो सकता है कि जोड़ा रिसीवर च ही दिक्कत होवे कोई। बाकी आप एक बार वो ट्रांसमीटर चैक कर लें कि वो सही काम कर रहा कि नहीं, इनू आप ऑफ करके तो अपने जोड़ा ESC उन्होंने भी ऑफ कर देने लो जी, तो अपन जारा सारिया पट लेने सर्वो दियाँ भी तो ESC दियाँ भी। हाँ जी, जोड़ा अपना पुराना रिसीवर है इनके भी 6 चैनल ने वैसे, पर जो अपना ट्रांसमीटर है वह 4 चैनल वाला है, इस करके इन्हें 4 चैनल चलते हैं, पर जो इन्हें कोई 6 चैनल वाला पर रिमोट कनैक्ट करते हैं ट्रांसमीटर तो आ रिसीवर जो काम करेगा 6 के 6 चैनल। ठीक है, आप इन कनैक्ट करके बहने ट्रांसमीटर जे तो हो गया फिर तो रिसीवर से दिक्कत है, जो ना हो फिर हो सकता है कि ट्रांसमीटर दिक्कत हो, पर आ ट्रांसमीटर सही है, ये भी नहीं कनैक्ट हो रहा इन। बाकी चलो चैक करते हैं अगर अपना पुराना रिसीवर है तो इनू भी आप उस तरीके ESC कनैक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर चैनल नंबर 1 तो इनू कनैक्ट कर लेने आप, इन सर्वो जी आप उत्थी लावे नंबर 5 तो नंबर 6 पर। ठीक है जी, और जी सर्वो अपने दोवें कनैक्ट करती आप ESC ऑन करते हैं आप। ठीक है जी, फिलहाल ये जो सब पहला मेरा आ कनैक्ट इनके कनैक्ट है आ जो ट्रांसमीटर है इस रिसीवर न। ठीक है, पर हजे इन कोई चैनल इन्हें लगा नहीं सर्वो जो 5-6 चैनल, इस करके इन्हें दसना नहीं, आप इनू बंद करते हैं, इनू कनैक्ट करने की कोशिश करा। तो जी हुण जिहड़ा आपां इहदे विच बटन दित्ता होया उहनू लौंग प्रेस करदे आ। ठीक है जी, देखो जी लाइट ब्लिंक होण लग पई है, हुण आपां आ जिहड़ा अपना ट्रांसमीटर ऑन करदे आ जी। अजे तक कनैक्ट नहीं होया, दुबारे करके वेहने आ। लो जी कनैक्ट हो चुके अपना, यानी कि अपने जिहड़ा है इस रिसीवर च दिक्कत है, रिसीवर सही नहीं गा, जो ट्रांसमीटर अपना कनैक्ट हो चुका है। बाकी अपना ट्रांसमीटर चला के वेख लें कि जो चैनल नंबर 5-6 सही वर्क कर रहा कि नहीं, तो हूँ तुम सर्वो वाल ध्यान दे लो। तो आखो जी वह चैनल नंबर पहला 5 यूज़ करके बहने। ठीक है जी, आखो आ चैनल नंबर 5 है तो आ 5 की सर्वो है जी। आखो जी सर्वो जी बिल्कुल वधिया काम कर रही है। ठीक है जी, आखो यानी कि जोड़ा अपना ट्रांसमीटर है बिल्कुल सही है, चैनल नंबर 6 भी आप चैक कर लें। तो देखो जी दोवें अपने सर्वो बहुत वधिया काम कर रही ने, तो पर जी अपने सीवर च दिक्कत है आ जी, हूँ इनका हल यही है कि आपू जो रिप्लेस करवाना पेगा तो या फिर रिफंड हो जूगा, क्योंकि जे तो होर पे हुए रिमोट फिर तो रिप्लेस कर देंगे, पर जे उन्हां कोल किसी तरह का शॉर्टेज होया दिक्कत हुई फिर उत्थे रिफंड का ही ऑप्शन आऊगा, रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आता। बाकी आप चैक कर लें हूँ गाँ इनू आप रिप्लेस करते हैं या रिफंड जो भी होगा आप वेख लें, अगे दोबारे आप रिमोट मंगाना पेगा हूँ, क्योंकि आ रिसीवर है आप 2500 रुपया लाया तो जे ना चले फिर की काम का। ठीक है, इस करके आप इनू कर देंगे रिफंड,
या रिप्लेस करने की कोशिश करा जो हो जाए तो बाकी तुम मैं सारे फंक्शन इतने चला के विखा देना जिमें सरो है इनू आप जो चैनल नंबर दो ना जोड़ते हैं ठीक है फिर ये किदा काम करती तुम भी विखा देना मैं तो चैनल नंबर दो लो जी कनैक्ट हो चुका अपना सरवो आखो जी आए चैनल नंबर दो ये वड्डी सर्वो है बहुत वधिया काम करती लिफ्ट तो बहुत पावरफुल सर्वो है तुम यूज़ कर सकते हो इन्हां दी भी अनबॉक्सिंग की हुई वैसे मैं चैनल पर तुम सारिया वीडियो मिल जाएगी ठीक है जी आखो जी चैनल नंबर दो जो बहुत वधिया काम कर रहा है तो हूँ आप जो चैनल नंबर तीन भी चैक कर लेने लगते हथ तो चैनल नंबर तीन अपना आए ये पुश वाला हुंदा है जब आखो जी सिंगल पुश करांगे एक मिनट जी फोकस नहीं हो रहा फोकस हाँ आखो जी हुण जिवें इत्थे आ इहनूं सिंगल प्रेस करदे आ सर्वो इत्थे आ जाओ बस इनका होर कोई सेंसिटिविटी आप सैट नहीं कर सकते सिर्फ इन्ना ही काम करूगा यह होंगे नॉर्मल ट्रकों या ट्रैक्टर च गेयरबॉक्स गेयर बदलने लिए ठीक है जो गेयरबॉक्स गेयर होंगे ना वो बदलने लिए जो चैनल यूज़ होंगे ने ज़्यादातर या फिर कई बार डिफरेंशियल लॉक व्डे ट्रकों जो डिफरेंशियल लॉक लगता है उनके लिए यूज़ होंगे बाकी अगर आने वाले टाइम आप भी करा अपने ट्रैक्टर ना डिस्क ब्रेक या गेयरबॉक्स लियावे इन भी अड्डो अड्ड जो गेयर चेंज करने वाला गेयरबॉक्स जिदा अड्डो अड्ड स्पीड लिए ओके आने वाले टाइम करा फिलहाल अजे एक बार यार रिमोट चेंज कर दें आप फिलहाल इनका जो तुम मैं चैनल नंबर चार भी विखा देना चैक करा देना लगते हथ लो जी आ जो इनका चैनल नंबर चार है ये भी नॉर्मल गेयर चेंज करने लिए होता है ठीक है उन्हें जिदा एक ही ऑप्शन से इन्हें जो तीन ने आखो जी उन्हें तुम जिदा एक ही गेयर उत्ते थले कर सकते हो फस्ट सैकेंड इन तीन ऑप्शन ने जो तेजे गेयरबॉक्स के तीन गेयर ने जिदा फस्ट सैकेंड ठीक है फस्ट इतने आ सैकेंड आ थर्ड है इदा तुम गेयर चेंज कर सकते हो इन्हें इन लिए उतले जे तुम्हें पता ही है नॉर्मली आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं या कोई लोडर वगैरह अगे आते उन्हें च यूज़ कर सकते हैं ठीक है ट्रांसमीटर तो बहुत वधिया वैसे अपना पर दिक्कत है उन्हें वापस करना पैना अपन ठीक है क्योंकि एक रिसीवर की वजह तो आ रिसीवर अपना पुराना है चाहिए वैसे आप यूज़ कर सकते हैं उत्ते पर फिर वो एक जो अपना ट्रांसमीटर एवं प्यार होगा फायदा नहीं है इस चीज़ का कोई इस करके इनू इन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करा जो हो गया नहीं तो इनू जरा वापस करके पैसे अपने आ जाएंगे तो नवा कोई होर रिमोट वेने वो मैं अगे आने वाली वीडियो तुम दस दाँगा डिटेल च तो आडियो इतों तक ही अनबॉक्सिंग करनी सी वैसे मैं तो सोचा तो बहुत सी अगे कि होर ट्रैक्टर हूँ नवा तैयार करते हैं लिफ्ट वाला पर एक बार मैं लगता होर लेट होगा अजे क्योंकि अगे 15 दिन चाह आया हूँ अगला रिमोट पता नहीं किन्ने चिर च आता है बाकी उनकी वीडियो मैं पा दाँगा मिस्टर पेंडू ब्लॉग से जो मैं नवा रिमोट कोई खरीदया ना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे प्राइस वगैरह भी आने वाले टाइम से कड़ा रिमोट आ रहा हूँ नवा ठीक है तो आडियो वेखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे वीर का जोड़े भी चैनल के नवे ने सबसक्राइब कर लियो लिफ्ट वाली ट्राली बना रहे हैं वो भी आ रही है बहुत जल्दी उस तो इलावा दो तीन मोटर भी ने उन्होंने भी अनबॉक्सिंग करनी है तो बाकी ट्रैक्टर वगैरह भी मंगाए ने मॉडल वो आ जाता फिर आप करते हैं डिटेल से गल तो आडियो वेखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे वीर का।